भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी की थी। स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिलाओं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू का अमूल्य योगदान है। भारत को किला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉ. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय पेशे से वैज्ञानिक और डॉक्टर था तथा माता वारद सुंदरी देवी बंगाली भाषा में कविताएं करती थी। अपने परिवार में 8 भाई बहनों में सरोजिनी नायडू सबसे बड़ी संतान थी। सरोजिनी नायडू के पिता निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल होने के साथ साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के सक्रिय सदस्य भी थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया था। बचपन से ही कविता लिखने का शौक रखने वाली सरोजिनी नायडू ने अपनी माता पिता के गुणों को ग्रहण किया एवं अपने पिता की भांति देश की आज़ादी में सक्रिय योगदान दिया। सरोजिनी की माता वारद सुंदरी देवी बंगाली भाषा में कविताएं करती रही, जहां से सरोजिनी नायडू ने कविता लिखने के गुण विकसित किए एवं भारत कोकिला की उपाधि प्राप्त की। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही सरोजिनी नायडू द्वारा लेडी ऑफ द लेक कविता रचित की गई थी, जिससे कि सभी लोग उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की धनी सरोजिनी नायडू ने 12 वर्ष की अवस्था में ही मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके पश्चात उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लंदन में किंग्स कॉलेज एवं गिल्टन कॉलेज में शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने कविताएं लिखना जारी रखा एवं बाद के वर्षों में एक कुशल कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठापित हुई। कॉलेज में अध्ययन के दौरान डॉ. गोविंद राजुलू नायडू से मुलाकात के पश्चात सरोजिनी नायडू ने उनसे विवाह किया एवं उनकी 4 संतानें हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात के पश्चात सरोजिनी नायडू की लेखनी ने एक नई धार पकड़ी एवं वे अपनी लेखनी से देश की महिलाओं को जागृत करने के कार्य करने लगी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने गांधी जी के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई एवं गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता रचने के पश्चात सरोजिनी नायडू के द्वारा जीवन भर अपनी लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक मुद्दों को उठाया गया। सरोजिनी नायडू की कविताएं लोगों को गाने पर मजबूर कर देती थी, यही कारण रहा कि उन्हें देश में भारत कोकिला की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनके द्वारा रचित प्रमुख कविताएं वॉयंस मिनस, द थ्रेशोल्ड 1905, द वर्ड ऑफ टाइम 1912, द फायर ऑफ लंदन 1912, द ब्रोकेन विंग 1917, देश की आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली थी, जो कि इस पद पर आसीन होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। साथ ही आज़ादी के पश्चात उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। अपने जीवनकाल में वे सदैव महिलाओं के हक एवं देश के उत्थान के लिए प्रयासरत रही। देश की महिलाओं के लिए आदर्श के रूप में सरोजिनी नायडू की जयंती 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। अपनी जीवन को देश के लिए समर्पित करने वाली सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर समाज उत्थान के लिए विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया था। देश की आज़ादी के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाली यह स्वर कोकिला 2 मार्च 1949 को हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। देश की आज़ादी में सरोजिनी नायडू के योगदान के लिए उन्हें हमेशा स्मरण किया जाता रहेगा।